सूरजपुर में मनमानी तरीके से परिसीमन के आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने ओढ़ी सूरजपुर मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के नुमाइंदों के इशारे पर जिले के अधिकारियों पर मनमानी ढंग से परिसीमन लागू करने का गंभीर आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि जिले में छोटे छोटे गाँव को नए परिसीमन में कई किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायतों में शामिल कर दिया गया, ऐसे में गाँव का विकास कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। लोगों ने ये भी कहा है कि परिसीमन में अधिकारियों द्वारा हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा, हालांकि एसडीएम के आश्वासन के बाद चक्का जाम समाप्त हुआ। बात कर लो। जनपद क्षेत्र क्रमांक 8 और 9 का जो परिसीमन हुआ है उसका इनके द्वारा विरोध किया जा रहा है, लेकिन हमारे पास जो भी आवेदन प्राप्त हुए थे परिसीमन के लिए उसको गंभीरतापूर्वक विचार किया गया। पंचायती राज के तहत निमन उसका क्या इनकी मांगे पूरी होंगी इसकी जानकारी मेरे द्वारा अधिकारियों को दे दी गई। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता दिलशाद अहमद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिलशाद, सूरजपुर में परिसीमन को लेकर बिफर पड़े हैं लोग और उन्होंने शिकायतें भी की हैं, क्या शिकायत का असर भी देखने को मिला? जी, इस तरह से वहाँ की आम जनता और वहाँ के जो भाजपा जनप्रतिनिधि लोगों ने जो मोर्चा खोल रखा है, उसके बाद एसडीएम ने आश्वासन तो दिया और एसडीएम को साफ तौर पर कहना है कि जो भी परिसीमन उसमें ध्यान दिया जाएगा और परिसीमन की जो भी गलतियां हो उसे सुधारने की बात कही है। जिस तरह से बताना चाहूंगा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के स्थानीय लोगों ने अपने दबाव में राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए जो परिसीमन किया, जो गांव को दूसरे गांव से जोड़ने का जो दूरी हुआ उससे कहीं ना कहीं गांव के लोगों को नुकसान पहुंचेगा, इसको लेकर गांव वाले काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आए। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो हम कलेक्टर का घेराव भी करेंगे और अपनी बात को मना कर आएंगे। जी, इसके अलावा क्या लगता है कि हालात सुधरेंगे, क्योंकि अधिकारी कुछ भी कहने से वैसे तो बच रहे हैं, लेकिन बातचीत करने पर क्या मालूम होता है कि हालात सुधर पाएंगे? जी बता रहा हूँ, जिस तरह से एक तो कांग्रेस गवर्नमेंट के बाद एक दबाव है, उनका जो कहना है, उनके लोगों का कहना है, दबाव में ही यहाँ के अधिकारियों ने काम किया। अगर दबाव वक्त अगर अपने हाथ के काम नहीं करते और हम परिसीमन को सही तरीके से नहीं करते तो आगे हालत बिगड़ सकती है और हम आंदोलन करेंगे और कलेक्टर का घेराव करेंगे और जिले के सभी मुख्यालयों में जहाँ जहाँ है सभी जगह खाद मुख्यालय में सर्वदलीय मंच बना के हड़ताल करेंगे और धरना करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दिलशाद। मोगैले जिले की लोर में